उज्जैन नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले कार्तिक मेले का शुभारंभ बैकुंठ चतुर्दशी पर किया गया। कार्तिक मेले का औपचारिक शुभारंभ पूर्व मंत्री पारस जैन और पूर्व महापौर मीना चौहान ने किया। नगर निगम ने शासन प्रशासन की मांग के अनुसार निर्धारित तिथि को मेले का शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा पर मेले का शुभारंभ किया जाता था, लेकिन पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के चलते यह आयोजन निरस्त किया गया था। एक बार फिर पाबंदी हटने के बाद नगर निगम द्वारा लगने वाले कार्तिक मेले का शुभारंभ मंच से किया गया। इस दौरान कार्तिक मेला ग्राउंड में बने पक्के निर्माण मंच का भी शुभारंभ किया। मंत्री पारस जैन ने कहा कि कोरोना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उज्जैन के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। हर वर्ष मेला लगता था, लेकिन दो तीन साल से समय ऐसा आया कोरोना के कारण मेला लगने से वंचित हो गए। लेकिन यहाँ के व्यापारी 8 दिन से पीछे पड़े थे कि अब के मेला लगना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कल मेरी बातचीत हुई थी, आदरणीय सांसद जी ने भी बातचीत कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं 16 तारीख के दिन इसका निर्णय लूंगा, और 16 ही तारीख को उन्होंने दिन पूरा कोरोना के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर सब प्रतिबंध समाप्त कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बड़े बड़े सब कार्यक्रम करते जाएं, लेकिन इस मेले की आवश्यकता ये है कि ये परंपरागत मेला हमेशा कार्तिक मेले का होता है। मेला अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया था और तुरंत हम लोगों को उस कार्यकाल के समय में यहाँ पर बालू रेती बिछाने का काम करना पड़ा ताकि मेले का स्वरूप बना रहे और आने वाले जितने भी यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए लोग आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो ना हो। उस समय विचार किया कि क्यों ना यह व्यवस्थाओं को व्यवस्था में परिवर्तित कर दें। उस व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए विचार किया कि इस मेले में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले स्थाई मंच की आवश्यकता हो, महसूस हुई कि डोम होना चाहिए, स्थाई मंच होना चाहिए, ग्रीन रूम होना चाहिए ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर एक महीने तक जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे उस आयोजन में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। फिर पक्की सड़कें, नालियाँ, प्रकाश की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित ही एक महीने तक जो कार्तिक का मेला देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं वो पूरे इस मेले का आनंद उठा सके। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में इस कार्तिक मेले की रचना तैयार की गई और उस रचना के हिसाब से इसका निर्माण कार्य कराया गया। कार्तिक मेले के शुभारंभ के बाद जल्द ही हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ कालिदास अकादमी में किया जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।